दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने इस रेड टाइगर F7N डैश कैम के बारे में बात की थी, जिसमें हमने अनबॉक्सिंग और इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कवर किए थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन में जाके आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, मैं वहाँ पर लिंक डाल दूंगा। तो इस वीडियो हम इसको पावर ऑन करेंगे और इसके कुछ ऑन स्क्रीन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। पावर ऑन करने के लिए मुझे एक टाइप सी केबल लगेगी जो एक पावर सोर्स से कनेक्ट होना चाहिए, और मैं बस इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा इसके टाइप सी इनपुट स्लॉट पे। उसके बाद जैसे मैं केबल कनेक्ट करता हूँ, आप देख रहे हैं ये रेड और ब्लू लाइट शुरू हो गई है, फिर ये टोन प्ले होती है जिसमें रेड टाइगर ब्रांडिंग आती है, फिर ये कैमरा ऐसे शुरू हो जाता है। ठीक है, इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखता है जो आपके रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर आता है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर इसके ऊपर एक फिल्म लगी हुई है, इसको हटा देता हूँ। ये फिल्म रिमूव करने के बाद, ये फिल्म में ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं लाइक हाउ टू फॉर्मेट एसडी कार्ड किस टाइप का होना चाहिए फॉर 4K रिकॉर्डिंग। इसको मैं सेट कर देता हूँ। जैसे आपका कैमरा ऑन हो जाएगा आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके की दिखने लगेगी, और इसमें जो वीडियो का टाइम रिकॉर्डिंग, ठीक है, डेट आएगी, यहाँ पर टाइम आएगा और AM/PM, और यहाँ पर क्वालिटी शो करेगा। अब मैं इसके साइड नेविगेशन कीज़ में से जाके ये जो साइड में दिया हुआ है अप डाउन एंड बीच में M बटन है, इसको यूज़ करके मैं इसके मेनू ऑप्शंस में जाऊंगा। अब ये जो मेनू ऑप्शंस में सबसे पहले आता है वीडियो, लेफ्ट में आपको दिखेगा ये कुछ लेन जैसा बना हुआ है, ऊपर टाइम दिया हुआ है, नीचे में डेट लिखी हुई है, फिर आता है आपका ये वीडियो, ओके, फिर आता है प्लेबैक और सेटिंग। ठीक है, वीडियो की बात करूँ तो वीडियो वही आपका जो होम स्क्रीन पे जो दिख रही थी, जहाँ पर वीडियो करंट फुटेज और नीचे टाइम स्टैम्प आ रहा था, सारी डिटेल्स आ रही थी, वही स्क्रीन है। प्लेबैक में अगर आप जाते हो तो प्लेबैक में आपको ये फोल्डर स्ट्रक्चर दिखेगा, ऊपर में आप देख रहे हो उसमें नॉर्मल अर्जेंट एंड फोटो जो लिखा हुआ है, सेम नीचे भी लिखा हुआ है, लेकिन आप एक चीज़ नोट करेंगे कि ऊपर वाले में सब में F लिखा हुआ है, नीचे में R लिखा हुआ है। F मीन्स फ्रंट कैमरा, रियर मीन्स रियर, R मीन्स रियर कैमरा। तो इस तरीके से वो फोल्डर में फुटेज आपकी स्टोर करता है, फ्रंट कैमरे की एफ वाले फोल्डर में, रियर कैमरे की आर वाले फोल्डर में। अगर मैं नॉर्मल पे जाऊँ तो ये कुछ रिकॉर्डिंग्स है, पास्ट रिकॉर्डिंग है जो दिखेगी। ठीक है, आप यहाँ से इसको ऐसे व्यू करके आप उसको प्ले भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको प्ले करता हूँ फिर ये प्ले हो जाएगी, इसमें से ऑडियो भी आएगा, जो ऑडियो रिकॉर्ड होती है वो ऑडियो भी आएगा, और इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है यहाँ पर। अब मैं चलता हूँ दूसरे फोल्डर में जो कि लिखा हुआ है अर्जेंट। जो फोल्डर है इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, और जो थर्ड में है वो फोटो स्टोर होती है। अर्जेंट फोल्डर के बारे में आपको मैं बाद में बताता हूँ कि है क्या चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स है जो यहाँ पर, सेटिंग्स ही वही पेज है जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने लायक है। जैसे पहला, उसमें पहला ऑप्शन जो आता है रिजोल्यूशन में अगर मैं जाऊँ, फिलहाल अभी ये सिंगल कैमरा है, इसमें कोई फ्रंट कैमरा बैक कैमरा कनेक्टेड नहीं है, तो अपने को जो क्वालिटीज़ शो कर रहा है, लाइक अपने पास तीन क्वालिटी है फिलहाल अभी, जो एक है 2160p, दैट मीन्स कि 4K वो 60 FPS पर रिकॉर्ड करेगा, 1440p दैट मीन्स 2K जो 60 FPS पर रिकॉर्ड करेगा, और 1080p जो है फुल HD वो 120 FPS पर रिकॉर्ड कर सकता है। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी क्वालिटी चाहिए। ठीक है, और ये ऑडियो वही है जो आप कि कैबिन साउंड को रिकॉर्ड करेगा, इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद है डेट स्टैम्प से अगर आप चाहते हो कि आपके फुटेज में डेट रिकॉर्ड हो तो उसको आप ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, लूप मतलब कि जो हर एक इसमें वीडियोस होती है वो कितने इंटरवल की रिकॉर्ड होगी, लेट से अगर आप 1 मिनट सेलेक्ट करते हो तो जो फुटेज होगी 1 मिनट के इंटरवल की रिकॉर्ड होती जाएगी, अब मल्टीपल फाइल्स बनेगी। इसमें जैसे 1 मिनट ऑप्शन है, 3 है 5 है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जी सेंसर में होता क्या है कि अगर आपकी गाड़ी सडनली कहीं, लेट से अगर आपने की गाड़ी कहीं लग गई या फिर किसी ने आपकी गाड़ी को बैंग कर दिया, तो उस टाइम पे ये जो जी सेंसर है वो उसको रिकग्नाइज करके उस पर्टिकुलर टाइम की फुटेज है उसको वो अर्जेंट फोल्डर में डाल देगा, जो आपको मैंने शो किया था, याद है। यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ मैं फिर से, ये यहाँ पर प्लेबैक में आए, ये जो अर्जेंट है बीच वाला उसमें जाएगा। अभी फ़िलहाल नो फाइल इसलिए दिखा रहे क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ नहीं है, अदरवाइज़ अगर ऐसा कुछ होता तो वो उस टाइम की फुटेज है उसको अर्जेंट फोल्डर में डाल देता, और अर्जेंट फोल्डर की
अर्जेंट फोल्डर की खासियत ये है कि अगर आपकी आपका मेमोरी कार्ड फुल हो जाता है ठीक है, और तो क्या करता है कि जो नई फुटेज होती है उसको वो नॉर्मल फोल्डर पे डालता है, लेकिन अर्जेंट फोल्डर की जो फोटोज है सॉरी वीडियोज़ है उसको वो डिलीट नहीं करता, वो आपकी नॉर्मल फोल्डर से डिलीट कर देगा, क्योंकि वो लूप रिकॉर्डिंग होती है और जैसे ही आपका मेमोरी कार्ड फुल हो जाता है वो फर्दर रिकॉर्डिंग के लिए वो आपका जो ओल्ड वीडियो होता है उसको डिलीट करते जाता है, लेकिन वो सिर्फ नॉर्मल वाले से करेगा लेकिन अर्जेंट से नहीं करेगा। अब चलते हैं वापस सेटिंग्स पे, हम थे जी सेंसर में ठीक है, तो जी सेंसर में हम इसमें है चार ऑप्शन मिलेंगे, ऑफ ऑफ कर सकते हैं इसको आप परमानेंटली, या फिर इसकी आप सेंसिटिविटी लो मीडियम हाई पे रख सकते हैं, मैंने फ़िलहाल लो पे रखा है क्योंकि यहाँ के आपने देखा होगा यहाँ के जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, तो स्पीड ब्रेकर के जर्क को भी एज अ अर्जेंट फुटेज एज एन इंसिडेंट समझ लेता है और उस पर्टिकुलर टाइम की फुटेज को अर्जेंट फोल्डर में डाल देता है, इसलिए मैंने इसको लो पे रखा हुआ है। अब आता है फटीक, फटीक मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपका डैश कैम आपको नोटिफाई करे आफ्टर 1 आवर 2 आवर 3 आवर लाइक कंटिन्यूस ड्राइविंग के बाद, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल मैंने ऑफ रखा है। स्पीड, स्पीड स्टैम, स्पीड स्टैम मीन्स लाइक अगर आप आपकी जो फुटेज होती है वो अगर रिकॉर्ड करते टाइम आप चाहते हैं कि उस वीडियो में गाड़ी की जो स्पीड है, जो GPS जो इस पर्टिकुलर कैमरे के साथ जो GPS मॉड्यूल आता है उसके थ्रू वो रिकॉर्ड करता है, तो वो स्पीड अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो में आए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ कर सकते हैं। GPS टाइम में वही है जो GPS रिलेटेड डेटा लाइक कोऑर्डिनेट्स वो यहाँ पर आपके वीडियो के बॉटम लेफ्ट में डिस्प्ले होता है। स्पीड यूनिट्स, स्पीड यूनिट्स में आप सिलेक्ट कर सकती है आपको किलोमीटर पर आर स्पीड चाहिए या फिर माइल्स पर आर की स्पीड चाहिए। GPS इन्फो फिलहाल भी यहाँ पर मॉड्यूल कनेक्ट नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर सारा चीज़ें डिस्प्ले करने लगता है। रियर कैमरा फ्लिप, इसका मतलब ये होता है कि अगर लेट से आपने रियर कैमरा जो है उसको आपने अपसाइड डाउन या फिर किसी भी ओरिएंटेशन में आप अगर आपने इसको फिक्स किया और आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो उल्टी आ रही है ठीक है, तो आप इसको रियर कैमरा फ्लिप करके आप उसको सीधा रिकॉर्ड कर सकते हैं। मिरर फ्लिप में वही होता है कि लेट से जो मिरर इमेज होती है अगर आप चाहते हैं कि उसको वो मिरर इमेज अगर आ रही है उसको सीधा कर दे तो आप मिरर फ्लिप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐप में जाओगे तो ये QR कोड मिलेगा, इसको आप स्कैन करके रेड टाइगर का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड और iOS डिवाइस में। वाईफाई, वाईफाई का काम तब पड़ता है जब आपको आपका ये डैश कैम आपके फ़ोन एप्लीकेशन से कनेक्ट करना पड़ता है, वो आपको दिखाऊंगा बाद में, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट ये ऑफ आता है ठीक है, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपके मोबाइल डिवाइस में आपको वाईफाई सेटिंग्स के अंदर आपको इसका रेड टाइगर ऐप का रेड टाइगर कैमरे का नाम आ जाएगा, आप इसको कनेक्ट करके आप रेड टाइगर ऐप में जाके आप जो फुटेज है इस पर्टिकुलर डैश कैम में रिकॉर्डेड है उसको एक्सेस कर सकते हैं। लैंग्वेज में आप डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश फ्रेंच डच और ये समथिंग पता नहीं कौन सी है। टाइम फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 24 आवर वाला फॉर्मेट चाहिए या 12 आवर वाला फॉर्मेट चाहिए। डेट टाइम, यहाँ पर आप डेट टाइम सेट कर सकते हैं इस डैश कैम के लिए। टाइम जोन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस टाइम जोन में रहते हैं, आपको किस टाइम जोन का टाइम रिकॉर्ड चाहिए। DST के बारे में तो पता नहीं मुझे, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर जब मैं वीडियो एडिट करूँगा तब मैं यहीं पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फ्रिक्वेंसी में आप वही है जो स्क्रीन की फ्रिक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रीजन जो आपके लिए, आप इसको एक्चुअल में रियल टाइम आप चेक कर सकते हैं कि कोई फ्लिकर तो नहीं आ रहा है, अगर फ्लिकर आ रहा है तो आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि किस में फ्लिकर वो नहीं आ रहा है, उसको सेट रख सकते हैं। क्लिक टोन में जब मैं ये आप देख रहे हो मैं बटन सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये कुछ बीप बीप की आवाज़ आ रही है, तो ये वही चीज़ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है फिलहाल। स्क्रीन सेवर में क्या होता है कि जैसे ही आपका डैश कैम ऑन होता है तो ये कुछ देर के लिए स्क्रीन ऑन रखता है, तो अगर मैं ऑफ सेलेक्ट करता हूँ तो डैश कैम ऑन होते ही उसकी स्क्रीन ऑफ ही रहेगी, वो ऑन नहीं होगा, मीन्स डैश कैम ऑन रहेगा लेकिन उसकी स्क्रीन ऑफ रहेगी,
10 सेकेंड मीन्स लाइक 10 सेकेंड तक उसकी स्क्रीन ऑन रहेगी, उसके बाद फिर ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो बाई डिफॉल्ट ये 2 मिनट सेलेक्टेड है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, जो जैसा आप चाहते हैं वैसा रख सकते, लेकिन हाँ आप इसको परमानेंटली ऑन नहीं रख सकते। पार्किंग, ये वो है पार्क मॉनिटरिंग जिसमें आपको बताया था मैंने कि आपको हार्डवायर किट लगती है। उसके बाद ये अगर आपकी गाड़ी बंद भी रहेगी तो बैटरी पावर से टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि टाइम लैप्स वीडियो जो है वो आपको 24 आवर्स की चाहिए या फिर 12 आवर्स का बाइफर्केशन के हिसाब से चाहिए, या फिर अगर जी सेंसर में अगर या फिर आपकी गाड़ी में कोई भी इम्पैक्ट आता है और जी सेंसर उसको रिकॉर्ड करता है तो ही आपको फुटेज रिकॉर्डेड चाहिए। अदरवाइज आप नहीं चाहते कि फुटेज रिकॉर्ड हो तो आप ये सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफ़ में क्या रहेगा कि अभी फ़िलहाल तो हार्ड वायरिंग किट है ही नहीं, तो ऑफ रहेगा तो वो कुछ रिकॉर्ड भी नहीं करेगा। फॉर्मेट रिमाइंडर मीन्स लिख कि अगर आप चाहते कि आपका जो डैश कैम है वो आपको 15 या फिर 25 डेज में मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करने का रिमाइंडर दे तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। फॉर्मेट बेसिकली ये आपके मेमोरी कार्ड में जो भी जितनी भी फुटेज रिकॉर्ड हुई है उसको फॉर्मेट करने के लिए आप इसको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही मैं ओके प्रेस करूँगा तो पूरी वहाँ की जो फुटेज है वो डिलीट हो जाएगी। कार्ड स्पीड, यहाँ पर कार्ड स्पीड आप टेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपने कार्ड इंसर्ट किया आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो कार्ड इसके लिए कंपेटेबल है, क्या वो 4K रिकॉर्डिंग जो भी रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, क्या वो मेमोरी कार्ड इतना फास्ट इनफ है कि उस पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग को वो सेव कर सके फटाफट। तो एक बार मैं इसको अगर चेक कर लेता हूँ, अभी आ रहा है कार्ड टेस्टिंग, जैसे ही सक्सेसफुल हो जाता है तो इसमें आ जाता है कि दिस द कार्ड स्पीड टेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली डन। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में अगर आप इसको ओके कर देते तो अगर आपने कोई भी सेटिंग चेंज की होगी तो जो अगर आप ओके करते हैं तो ये डैश कैम अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में आ जाएगा। वर्जन में यहाँ पर ये इसका डैश कैम का फर्मवेयर वर्जन दिखता है, इसको अगर इसमें फ्यूचर अपडेट्स आएंगे तो इसको अपडेट करके ये वर्जन भी अपडेट हो जाएगा। हेल्प सेंटर में ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर वेबसाइट का नाम दिया हुआ है जहाँ से आप रेड टाइगर की सपोर्ट डेस्क को आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था रेड टाइगर F7N के ऑन स्क्रीन ऑप्शंस एंड फीचर्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है आपको करना क्या है। अगर आपने इसका अनबॉक्सिंग और स्पेसिफिकेशन वीडियो नहीं देखा है तो अगेन आप उसको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड।